नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब नाइट एग्जाम में। साथियों, यहाँ पर एक अपडेट निकल के आ चुका है अग्निवीर डिपार्टमेंट की ओर से। जैसा कि मैंने बताया था कि आप लोग जैसे ही वैकेंसी आएगी अग्निवीर डिपार्टमेंट की ओर से, मैं आप लोगों को सूचित करूँगा चैनल के माध्यम से। तो फाइनली यहाँ पर भर्ती आ चुकी है डीए, और इसके फॉर्म भी स्टार्ट हो चुके हैं भरने। 16 तारीख से हालांकि फॉर्म स्टार्ट हो चुके थे, लेकिन स्टार्टिंग के दिनों में देखो थोड़ी दिक्कत आती है फॉर्म भरने में, लेकिन अब बिल्कुल सही है, साइट चल रही है। और बताऊंगा इसमें क्या क्या क्वालिफिकेशन है और कौन कौन से ट्रेड को यहाँ पर आईटीआई की मौका दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर ट्रेड ही मेंशन कर दी गई हैं कि आईटीआई वाले छात्रों की कौन कौन से ट्रेड यहाँ पर अप्लाई करेंगे। बाकी जो 10th लेवल के छात्र हैं जिनकी आईटीआई भी चल रही है, वो क्या करें, सभी के बारे में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो मैं ऑफिशियल नोटिस पर आपको लेकर चलता हूँ, यहाँ पर ऑफिशियल जो नोटिस जारी हुआ है। ठीक है, लेकिन एक चीज़ यहाँ आपको ध्यान रखने वाली चीज़ है, आपको यहाँ पर अपने जो है एरिया के हिसाब से यहाँ पर अपना जो है नोटिफिकेशन देखना पड़ेगा। आपको सबसे पहले गूगल में सर्च कर देना है ज्वाइन इंडियन आर्मी। क्या सर्च करोगे? ज्वाइन इंडियन आर्मी, ध्यान से देख लीजिए एक बार। बाकी वैसे तो मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से क्लिक करके आ जाओगे आप लोग। ज्वाइन इंडियन आर्मी आपको सर्च कर देना है। तो जैसे आप इस पर सर्च करोगे या फिर मैं लिंक दे दूंगा, जैसे आप साइट पर आओगे यहाँ पर अग्निपथ का ऑप्शन आपको दिख जाएगा। अग्निपथ वाले ऑप्शन पर जैसे आप लोग क्लिक करोगे, देखिए मैं यहाँ पर ये देख सकते हो आप लोग जो आपको 3-4 ऑप्शन यहाँ पर दिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर दिख रहा है रेली नोटिफिकेशन। ठीक है, क्या लिख रहा है? रेली नोटिफिकेशन। तो इस पर मैं क्लिक कर दूंगा। ठीक है, रेली नोटिफिकेशन पर जैसे मैं क्लिक करूंगा तो आपके सामने यहाँ पर अलग अलग एआरओ के हिसाब से आपको जो है अपना डिपार्टमेंट देख लेना है, आप कहाँ से वैकेंसी भर सकते हो, क्योंकि अलग अलग एआरओ के हिसाब से आप इसमें भर्ती भरोगे। ठीक है जी, अपने मेरे पास जो मैंने उत्तर प्रदेश का डाउनलोड किया है, ठीक है, उत्तर प्रदेश वालों के लिए। बाकी अपना देख सकते हो यहाँ पर, है ना, यहाँ पर अलग अलग डिपार्टमेंट का आ रहा है ना। तो एक बार आपको ये नोटिस डाउनलोड करके देख लेना है। बाकी जो है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, यहीं का डायरेक्ट का ही आप लोग एक बार चेक करोगे। बाकी जो मेन क्वालिफिकेशन है एक बार वो चेक कर लीजिए कि इसमें क्वालिफिकेशन मेन मांगी क्या गई है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पर, अगर हम वैकेंसी की बात करें डियर, तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में अगर हम वैसे अगर आपको जीडी की भर्ती की बात करें तो उसमें 10th मांग रखा है। ठीक है, 45% नंबर के पास है ना आपके, 45% आपके नंबर होने चाहिए यहाँ पर। ठीक है जी, 45% आपके नंबर होने चाहिए यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर हमारी टेक्निकल भर्ती के बारे में, जो हमारी टेक्निकल भर्ती है, ठीक है, वो आप देख सकते हो जो 10th लेवल भर रहा है। लेकिन हम मेन अपरिजन टेक्निकल भर्ती पर आते हैं, जो हमारी टेक्निकल भर्ती है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर जो कंपटीशन, पहली बात तो यहीं पर डाउन हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो एज है ना 17.5 साल से लेकर के 21 साल तक के छात्र अप्लाई करेंगे, पहली बात तो ये है। ठीक है, आप देखो क्वालिफिकेशन क्या मांग रखे, इन्होंने कहा है कि अब आपके पास जो है 12वीं होनी चाहिए, है ना, आपके पास अगर 12वीं है साइंस, फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री और इंग्लिश से, है ना, और आपके टोटल 12वीं 50% अगर नंबर पड़ रहे हैं, कितने डियर, अगर आपके 12वीं में 50% अगर आपके नंबर हैं, है ना, तो आप अप्लाई करोगे। और हर सब्जेक्ट में आपके यहाँ पर 40% अंक होने चाहिए, पहली कंडीशन तो उन्होंने यह दे दी। ठीक है जी, उसके बाद अगर हम अगली कंडीशन के बारे में बात करें हमारी आईटीआई लेवल के बारे में, ठीक है, उसके बारे में जान लेते हैं उसके बारे में क्या लिखा है। देखो, आपके पास अगर ये चीज़ नहीं फॉलो कर रहे हो तो उसके अलावा या करके, और का मतलब होता है यहाँ पर या आपके पास क्या होना चाहिए, 12वीं पास आप होने चाहिए साइंस साइड विद फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से। ठीक है, इसमें परसेंटेज का कोई इशू नहीं है, बट आपके पास आईटीआई कोर्स होना चाहिए। ठीक है, कम से कम 1 साल का तो आपके पास क्या होना चाहिए, कोर्स होना चाहिए कम से कम। ठीक है जी, उसके बाद अगर हम बात करें, अगर आपके पास ये भी नहीं है तो या करके इन्होंने एक और चीज़ दे दी, अगर ये भी नहीं है तो आपके पास यहाँ पर 10वीं होना चाहिए, 10वीं आप 50% नंबर होने चाहिए आपके 10वीं में कम से कम। ठीक है, प्लस इसके साथ यहाँ पर इन्होंने कहा कि 40% इन इंग्लिश मैथ साइंस में आपके नंबर होने चाहिए 40% कम से कम। ठीक है, उसके बाद आपके पास 2 साल का आईटीआई का जो ट्रेनिंग सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए। ठीक है जी, 2 साल का आपके पास सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है, ये चीज़ उन्होंने यहाँ पर मेंशन कर दी। अब देखते हैं यहाँ पर ट्रेड कौन कौन से अप्लाई करेंगे डियर, है ना, यहाँ पर ट्रेड देख लेते हैं, यहाँ पर ट्रेड को कौन कौन सी को मौका दिया है। तो पहले जो ट्रेड आएगी मैकेनिकल मोटर व्हीकल आएगी, फिर मैकेनिकल डीजल, है ना, देख सकते हो आप लोग काफ़ी सारे भाई साहब इन्होंने ट्रेड दे दिए हैं, आपको दिख भी रही होंगी, एक बार मैं फिर से यहाँ पर दिखा रहा हूँ थोड़ा। तो देखो मैकेनिकल मोटर व्हीकल हो गया, मैकेनिकल डीजल, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, टेक्निकल पावर इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिशियन, फिटर, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, ड्राफ्ट मैन, सर्वेयर, जीओ वाले, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले, है ना, कम्युनिकेशन जो टेक्नोलॉजी वाले होते हैं वो छात्र भर सकते हैं, ICTSM जिसको बोलते हैं, है ना, IT वाले भर सकते हैं, मैकेनिक कम ऑपरेटर इलेक्ट्रॉनिक वाले भर सकते हैं यहाँ पर, मैकेनिक इंजन वाले, है ना, इलेक्ट्रिकल इंजन, इलेक्ट्रॉनिक इंजन, ऑटोमोबाइल वाले, कंप्यूटर साइंस यानी कंप्यूटर इंजीनियर वाले, है ना। अभी मैं कंप्यूटर जो साइंस लिखा है मुझे लग रहा है कोपा वालों का सिस्टम दे, है ना,
ये कोपा वालों के लिए भी भर्ती है, कंप्यूटर साइंस है ना, तो मुझे लग रहा है ये कोपा वालों के लिए भर्ती है, लेकिन कोपा का यहाँ साफ साफ लिख देते, लेकिन फिर भी एक बार जब आप फॉर्म फिलअप करवाओगे तो एक बार उसमें चेक करना, क्योंकि यहाँ पर मुझे लग रहा है कोपा वालों के लिए दिया गया होगा, क्योंकि यहाँ पर कंप्यूटर साइंस लिख रखा है, लेकिन कंप्यूटर साइंस की ट्रेड अगर होगी तो हमारे पास कोपा ही होती है, कोपा वाले बच्चे भर सकते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पर ये ट्रेड मेंशन कर दी। उसके बाद जो यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ पर अगर आप किसी और डिपार्टमेंट में जाना चाहते हो, ट्रेडमैन में भरना चाहते हो, अगर आप ट्रेड्समैन की वैकेंसी भरना चाहते हो, सिंपल आपके पास जो है 10वीं होना चाहिए, है ना, 10वीं में कोई 9% का इशू है, कोई परसेंटेज नहीं होना चाहिए, 33% आपके पास मार्क्स होने चाहिए हर सब्जेक्ट में कम से कम, इन्होंने कह रखा ट्रेड्समैन की वैकेंसी में। ठीक है, बाकी जो स्टोर टेक्निकल की वैकेंसी एक हो रहा है इसमें अग्निवीर में, क्लर्क स्टोर कीपर टेक्निकल, है ना, इसमें क्या होना चाहिए, इंटरमीडिएट होना चाहिए, है ना, जी किससे डियर, यहाँ पर आर्ट से, कॉमर्स जो है कॉमर्स या फिर साइंस से, कितने परसेंट, 60% मार्क्स होने चाहिए। उसके बाद 50% जो आपके मैथ तो आर्ट्स बुक वगैरह में कम से कम इनके चाहिए चाहिए। उसके बाद अगर आप ट्रेड्समैन में जाना चाहते हो, अग्निमेट ट्रेड्समैन में, यहाँ पर 8ही पास के लिए भर्ती है, 8ही प्लस पास के लिए आप देख सकते हैं, कम से कम 33% आपके नंबर होने चाहिए, इन्होंने लिख दिया है। उसके बाद हम बात करें सिलेक्शन प्रोसेस की, डियर सिलेक्शन प्रोसेस एक बार ये देख लीजिए आप लोग, इसमें हाइट कितनी मांगी गई है, तो उन्होंने कह रखा है जो हमारे पास टेक्निकल की वैकेंसी है तो उसमें कम से कम 170 सेंटीमीटर आपकी होनी चाहिए, कितनी डियर, 170 जो है यहाँ पर सेंटीमीटर जो है आपकी, यहाँ पर जो है आपकी हाइट होनी अनिवार्य है, तो इन्होंने पूरा मेंशन यहाँ पर कर दिया है। ठीक है, चेस्ट कितनी होनी चाहिए वो भी इन्होंने यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है जी, तो ये मैंने टेक्निकल का बता दिया। उसके बाद अगर हम बात करें अगले पॉइंट के बारे में कि यहाँ पर सिलेक्शन कैसे आपका लिया जाएगा, तो उसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि यहाँ पर आपका सिलेक्शन ये कैसे देने वाले हैं। ठीक है, नीचे एक साइड में चलता हूँ लेकर के, ताकि आप लोग पूरा समझ सको, है ना, किसका फिजिकल का मामला क्या है और सिलेक्शन प्रोसेस का मामला क्या है। देख सकते हो पहले बात तो सैलरी पैकेज के बारे में मैंने काफ़ी बार आपको बता भी रखा है, कितनी कितनी सैलरी आपको मिले। फर्स्ट ईयर में आपको 21,000 रुपये मिलेंगे, वैसे 30,000 आपके होंगे, 9,000 रुपये आपके काट ले जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, फंड जो है यहाँ पर ये काट ले जाएंगे। ठीक है जी, सेकेंड ईयर में 33,000 होगी, थर्ड ईयर में 36,000, फोर्थ ईयर में 40 जो है 40,000, कटफट के आपको इतने मिले करेंगे और इतने आप कटा करेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर आपको जो है यहाँ पर टोटल अमाउंट दिया जाएगा, मैंने बता रखा था। बताऊंगा कि आप फॉर्म कैसे अप्लाई कर सकते हो, पूरा बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले आप देख लीजिए कि आपको जो है डीएड यहाँ पर टेस्ट पास करना होगा। देखिए, जो बिना आईटीआई वाले जो टेक्निकल वाले छात्र हैं, देखो यहाँ पर लिख रखा है, जो जीडी वाले छात्र हो गए, है ना, इनके लिए पहली बात तो यह है रनिंग होगी आप सबकी, सबकी आपकी रनिंग भी होनी है ना, आपको पुशअप भी मरवाए जाएंगे, आपको जो है कूद भी करवाई जाएगी, है ना। लेकिन यहाँ पर इन्होंने नोट करके एक बात लिखी है कि बाकी सबके तो यहाँ पर जो अदर जो डिपार्टमेंट मतलब जिनकी वैकेंसी निकली है, आपको सिर्फ टेक्निकल को छोड़ करके, देखो इन्होंने लिख रखा होगा टेक्निकल वैकेंसी है ना, अग्निवीर में जो टेक वैकेंसी है ना, तो इन छात्रों को जो है डियर यहाँ पर सिर्फ ये क्वालिफाई कर रहा है, इनके नंबर नहीं जुड़ेंगे। आपको सिर्फ क्या काम करना है, आपका जो नंबर मेरिट बनेगी वो सिर्फ आपके जो आपका स्किल टेस्ट होगा ना, जो आपका सॉरी जो आपका रिटन टेस्ट होगा, है ना, जो रिटन टेस्ट होगा आपका, उसी के बिहाफ पर जो है आपका सिलेक्शन होगा। ये सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है, इनका कोई नंबर नहीं आपको देगा, इन्होंने लिख रखा है। इन ये सिर्फ उन छात्रों के लिए, जीडी वाले छात्र है ना, तो जीडी वाले छात्र हैं ये, उनके लिए है। बाकी जो टेक्निकल आईटीआई बेस पर फॉर्म भरेंगे तो उनके लिए सिर्फ ये उन्हें क्वालिफाई करना है, इनके नंबर नहीं जुड़ने वाले मेरिट लिस्ट में। ठीक है, नंबर आपके किस में जुड़ेंगे, वो आपके सिर्फ होंगे क्या, जो आप लोग जो है अपना टेस्ट दोगे, जो आपकी परीक्षा होगी स्टार्टिंग में, वही आपकी मेन है, लेकिन फिर भी आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, ये सिर्फ क्वालिफाई है, इसके नंबर नहीं जुड़ने वाले। उसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करें टेक्निकल, आप बोलोगे सर यहाँ पर आपने बोनस मार्क्स की बात की थी, क्या बोनस नंबर मिलेंगे या नहीं। देखिए, जो पिछली बार का नोटिस की बात करें तो उसमें साफ साफ लिखा गया था कि इतने इतने नंबर जो है छात्रों को दिए जाएंगे, लेकिन अब की बार इस नोटिस में यहाँ पर कहाँ कहीं पर भी मतलब इस बारे में चर्चा नहीं की गई है। ठीक है, इस नोटिस में कहीं पर भी इस बारे में कोई चर्चा नहीं की गई है कि आईटीआई वाले छात्रों को अभी तक ये, हालांकि पिछले जो नोटिस जारी हुआ था, जो पुराना नोटिस था, उसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि यहाँ पर जो 1 साल के ट्रेड वाले छात्र हैं उनको वहां पर 30 नंबर का बोनस दिया जाएगा। ठीक है, और जो 2 साल के आईटी ट्रेड है उनको 40 नंबर का मिला था, और हालांकि मिला भी है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अब की बार इन्होंने यहाँ पर अभी कुछ भी मेंशन नहीं किया है। अब देखना यही है कि उसके बाद आपको मिलेगा फिर नहीं, लेकिन अभी तक तो उन्होंने कुछ भी इसमें मेंशन नहीं किया है। बाकी जो भी अपडेट आएगा मैं आपको सूचित करूंगा चैनल के माध्यम से। ठीक है, तो जो भी एज का मेन चीज़ तो इसमें आयु सीमा है ना, इसमें क्या है 17.5 साल से लेकर के आपको जो है, अगर आपकी आयु सीमा हो रही है ना, मुझे लग रहा है बहुत से छात्र है जिनकी एज है
निकल चुके होंगे। लेकिन भाई साहब अगर आप आईटीआई बेस पे भरना चाह रहे हो तो फिर आपकी बिल्कुल आईटीआई कंप्लीट होनी चाहिए, आईटीआई बिल्कुल कंप्लीट होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि सर मेरी फर्स्ट ईयर है फिर मेरा सेकंड ईयर चल रहा है मैं भर सकता हूँ कि नहीं, फिर भर लो, फिर टेंथ के बेस पर भर लो, फिर ट्वेल्थ के बेस पर भर लो, लेकिन फिर आईटीआई आपकी कंप्लीट होनी चाहिए अगर आप आईटीआई टेक्निकल के बेस पर भरना चाह रहे हो तो। ठीक है, बाकी आप टेंथ के बेस पर भी फॉर्म भर सकते हो, है ना, ट्वेल्थ के बेस पर भी, लेकिन जो मैंने आपको क्राइटेरिया बताया परसेंटेज का वो फिर आपके पास होना चाहिए। ठीक है जी, बाकी जो ये चीज़ है मैंने आपको पूरा बता दिया, बाकी जो नोटिफिकेशन आप पढ़ सकते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूँ, वहाँ से क्लिक करके चले जाना। और जिस भी छात्रों को उसका फॉर्म भरवाना है, ठीक है, मैं आपको नंबर लिख रहा हूँ हमारी टीम का ही, आप उनसे जो है कांटेक्ट करके इस फॉर्म को अप्लाई करवा देना। ठीक है, यहाँ पर एक बार उनको कॉल कर लेना, जो भी डॉक्यूमेंट होंगे उन्हें बता वो बता देंगे आपको। ठीक है, 864 ठीक है जी, ये नंबर है हमारी टेक्निकल टीम का। ठीक है, इस पर कॉल करके आप जो है यहाँ पर अपना फॉर्म अप्लाई करवा सकते हो। ठीक है जी, बाकी अगर आप खुद करना चाहो तो खुद भी कर सकते हो, जनसेवा केंद्र के हम नज़दीक करवा सकते हैं, लेकिन जिसके पास जनसेवा केंद्र नहीं है नज़दीकी तो हमारी टीम से भी कांटेक्ट करके जो है यहाँ पर भरवा सकते हैं। हालांकि जो फीस क्राइटेरिया अभी तो 250 रुपये इसकी जो फीस है मैंने चेक की थी अभी तक तो ये है, बाकी जो है जब आप लोग पेमेंट करेंगे सही तो तब पता लग पाएगा। ठीक है, तो एक बार हमारी टीम से कॉन्टैक्ट करके आप बात कर लेना। ठीक है जी, फॉर्म इसके स्टार्ट हो चुके हैं, 16 तारीख तक से स्टार्ट हो चुके थे, और जो फॉर्म के अंतिम तिथि है वो है 15 मार्च। ठीक है जी, 15 मार्च तक आप जो है इसके फॉर्म अप्लाई करवा सकते हो। ठीक है जी, सिर्फ 15 मार्च तक जो है आप इसके फॉर्म अप्लाई करोगे। ठीक है जी, तो चलिए अगर कोई भी इसके अलावा आपका डाउट बनता है तो आप मुझे लास्ट में कमेंट कर देना, बाकी कोई भी डाउट हो मैं फिर अगली वीडियो में आपको क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।